इंदौर में एक स्टूडेंट की साइलेंट अटैक से मौत हो गई। उसका नाम माधव लोधी था। वह बुधवार को कोचिंग क्लास में सिर के बल बेंच पर गिर पड़ा। दोस्तों ने तुरंत माधव को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शाम होने तक माधव ने इस दुनिया को छोड़ दिया। तो आखिर क्या है ये साइलेंट अटैक जिसका शिकार युवा तक बन रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ शिवम कुशवाहा। साइलेंट हार्ट अटैक को साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होने पर सीने में दर्द महसूस नहीं होता। कई बार ब्रेन तक दर्द का एहसास पहुंचाने वाली नसों या स्पाइनल कार्ड में प्रॉब्लम के कारण या फिर साइकोलॉजिकल कारणों से व्यक्ति दर्द की पहचान नहीं कर पाता। इसके अलावा ज्यादा उम्र वाले या डायबिटीज के पेशेंट्स में ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के कारण भी दर्द का एहसास नहीं होता है। ऐसे में जानेंगे साइलेंट हार्ट अटैक के कुछ सिम्पटम। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट की खराबी, बिना वजह सुस्ती और कमजोरी, थोड़ी सी मेहनत में थकान लगना, अचानक ठंडा पसीना आना, बार बार सांस फूलना। साइलेंट हार्ट अटैक के कुछ कारण भी है, जिनमें ज्यादा ऑयली, फैटी और प्रोस्टेट फूड खाना, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, शराब और सिगरेट पीना, डायबिटीज और मोटापा, स्ट्रेस और टेंशन से ग्रस्त होना। अब जानेंगे इससे बचने के उपायों के बारे में। डाइट में सलाद, वेजिटेबल्स ज्यादा शामिल करें, रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, योगासन करें, सिगरेट शराब जैसे नशे से दूर रहें, खुश रहें, स्ट्रेस और टेंशन से बचें, रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।